बांग्लादेश में गैस पाइपलाइन में विस्फोट, कम से कम 7 लोगों की मौत। मस्जिद के लिए दूसरी जगह, जमीन नहीं लेगा पर्सनल लॉ बोर्ड, दाखिल करेगा पुनर्विचार याचिका। महाराष्ट्र शरद पवार के घर एनसीपी कोर कमेटी की बैठक, इधर अठावले को भाजपा सरकार की उम्मीद। कल से शुरू हो रहा है संसद सत्र, नागरिकता संशोधन विधेयक पर मच सकता है घमासान। पाक की कायराना हरकत, एलएसी पर किया आईईडी प्लांट ब्लास्ट, ब्लास्ट में एक जवान सहित 3 घायल। संसद में विपक्ष के साथ बैठेगी शिवसेना, लोकसभा में पहली की बजाय तीसरी लाइन में बैठेंगे सावंत। श्रीलंका राष्ट्रपति चुनाव, विपक्षी उम्मीदवार गोटाबाया राजपक्षे की जीत, पीएम मोदी ने दी बधाई। उन्नाव में जमीन अधिग्रहण मामला, फिर भड़के किसान, पावर हाउस में पास रखे पाइपों में लगाई आग। सर्वदलीय बैठक में उठी मांग, फारूक की हो रही रिहाई, चिदंबरम को शीत सत्र में भाग लेने की मिली अनुमति। यूपी महंत आशीष गिरी ने निरंजनी अखाड़े में की आत्महत्या, आश्रम में मचा हड़कंप। रेल यात्रियों को दोहरा झटका, चाय व खाने के अलावा ट्रेन का किराया भी हुआ महंगा। खिली धूप तो दिल्ली ने ली खुलकर सांस, तेज हवा और आसमान साफ होने से प्रदूषण घटा।